ज़िंदगी में एक समय ऐसा आता है जब आप किसी को बहुत पसंद करने लगते हैं और धीरे धीरे ये पसंद प्यार में बदल जाता है। जब एक दूसरे के लिए प्यार अधिक बढ़ जाता है तो प्यार में पड़े व्यक्ति सामने वाले के साथ पूरी ज़िंदगी बिताने का सोचने लगते हैं। लेकिन हर बार सिचुएशन एक सी नहीं रहती है, ज़िंदगी में कई बार रिश्तों को लेकर बदलाव आते हैं। भले ही दो लोगों ने प्यार की शुरुआत में साथ जीने मरने की कस्में खाई हो, लेकिन ये प्यार आखिरी तक बने रहे ऐसा हर बार नहीं होता। बहुत बार ये रिश्ते टूट भी जाते हैं। हम में से कई लोग कभी ना कभी ब्रेकअप की सिचुएशन से गुजरते हैं। जब आपका रिश्ता टूटा है तो आप बिल्कुल टूट जाते हैं। ऐसे में खुद को संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है। इस सिचुएशन में बहुत ज़रूरी है कि कोई अपना आपके पास हो और आप उस दुख को किसी भी तरह अपने अंदर से बाहर निकाल सकें। प्यार में पड़ने के बाद आपको हर समय उस व्यक्ति की आदत पड़ जाती है। आपके पार्टनर के बिना आपका मन नहीं लगता है। अगर हम कहें कि ब्रेकअप सबसे दुखदायी लम्हा है तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि दिल का टूटना शारीरिक दर्द से ज़्यादा दर्दनाक होता है। लेकिन जो बीत गया उसे जाने दें, ब्रेकअप के दुख को अपने ऊपर हावी ना होने दें। समय के साथ धीरे धीरे ब्रेकअप के घाव भी बढ़ जाएंगे। ब्रेकअप के बाद कई लोग अपने दुख को बाहर नहीं निकलने देते हैं, वे अंदर ही अंदर उसको लेकर परेशान होते रहते हैं। लेकिन ये गलत है। आपको अपने दुख को किसी भी तरह से बाहर निकालना चाहिए। आप रोकर या तकियों को लात घुसा मारकर अपने गुस्से को बाहर निकालें। इससे आप अपने अंदर अच्छा महसूस करेंगे और अकेले रहने के बजाय अपने दोस्तों के साथ घूमें। आप चाहे तो अपने बेस्ट फ्रेंड को अपने मन की बात बताकर अपना मन हल्का कर सकते हैं। इससे हो सकता है वो आपको इन सब से बाहर निकलने में मदद करे। अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो सिर्फ एक ही वजह है कि सामने वाला अब आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता है। और जब सामने वाले को ही आपकी कोई फिक्र नहीं है तो आप क्यों बार बार उसके बारे में सोच रहे हैं? आप सबसे पहले उस लड़की का नंबर अपने मोबाइल से डिलीट कर दें। अगर उसकी फ़ोटोज़ होगी तो वो भी डिलीट कर दे। उसकी ऐसी कोई भी चीज़ ना रखे जिससे उसकी याद दिलाती हो। मुझे पता है ये करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपको ये करना होगा। उसके बाद भगवान का दिल से शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने आपको मौका दिया है लाइफ में कुछ कर दिखाने का। अब तक आपने जो अपना पूरा टाइम लड़की के पीछे बर्बाद किया है ना, अब आपके पास वो टाइम है जिसे आपको अपने गोल को पाने में लगाना है। अब आप अपने गोल को पा सकते हैं, क्योंकि आपके लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। अब आपका माइंड लड़कियों से हटाकर अपने गोल पे लगाना है। लड़कियां तो बाद में भी मिल जाएगी, लेकिन अपना गोल पाने का जो इस वक्त का टाइम है, वो अगर एक बार चला गया तो वो वापस कभी नहीं मिलता। इसलिए आपको सिर्फ अपने गोल पे ध्यान देना है, ना कि लड़कियों पे। और लड़कियां भी तब आपको पूछेंगी जब आप अपनी लाइफ में सक्सेस रहेंगे। आधे से ज़्यादा लाइफ तो हमारी लड़कियों का पीछा करने में ही चली जाती है। हम अपना पूरा टाइम उसमें ही वेस्ट कर देते हैं। अगर यही टाइम हमने अपने गोल में इन्वेस्ट किया होता तो सोचो आज हम कहाँ होते। और सक्सेसफुल लोगों को ही पूरी दुनिया पूछती है, ना कि उनको जो एक लड़की के लिए रोते रहते हैं। आप क्या सोचते हैं, उससे अच्छी लड़की आपको नहीं मिलेगी? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस वक्त वो आपके दिल में है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। और यही वो टाइम है जो आप अपना गुस्सा अपने गोल को पाने में लगा सकते हैं। मुझे पता है ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी आपको ये करना होगा अगर आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं। क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और जब आप अपने गोल को पाने के लिए मेहनत करने लगेंगे तो आप धीरे धीरे उस लड़की को भूलने लगेंगे, और फिर आपको सिर्फ अपने काम से प्यार होने लगेगा। और दोस्तों, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आप एक सक्सेसफुल पर्सन रहेंगे और आपको उससे अच्छी लड़की मिलेगी। तो दोस्तों, ये ऐसी कुछ बातें थी जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। और अगर आपकी इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प होगी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अगर सच में आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।